हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा सो इस वीडियो में करेंगे आगे के जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स वाले जो टॉपिक रहते हैं आगे तो वो डिस्कस करेंगे uh, तो uh, इस, इसके जो पहली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वो चेक कर सकते हो फर्स्ट पार्ट जो इसका है तो उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह तक का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था आगे हम आज फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे देन किस तरह से फ़ीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं फ़र्टिलाइजेशन कैसे होते पॉलिनेशन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आँ... सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है गनोशियम ठीक है अभी हमने जो फीमेल पार्ट स्टार्ट किया है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गनोशियम गनोशियम को हम कार्पल या पिस्टल भी बोल सकते हैं ठीक है ठेके? तो इसके बारे में हमने जब स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में किया था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो कार्पल होते हैं वो मोनो मतलब वो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है ठेके? तो मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पिलरी भी कोई फ्लार जो है वो हो सकता है फिर है कि जो अभी गनोशियम है में जो फीमेल पार्ट है पिस्टल या कार्पल जो भी है ठीक है तो वो किस तरह का होता है वो कुछ इस तरह का होता है ऊपर स्टिग्मा फिर नीचे स्टाइल लंबी सारी फिर आगे आती है ओवरी ठीक है ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये पार्ट होता है इसका तो सबसे पहले आता है स्टिग्मा स्टिग्मा कुछ इस तरह से होता है ठीक है स्टिग्मा जो होता है ये पॉलीनेशन में हेल्प करता है क्योंकि पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करते हैं ठीक है स्टिग्मा के बाद क्या आती है स्टाइल आती है ठीक है स्टाइल जो ये लंबी सारी ट्यूब होती है इसको हम स्टाइल बोल देते हैं इसमें से पॉलन ट्यूब आगे पास करती है ठीक है मतलब पॉलन ग्रेन जो होता है वो तो अपनी पोलन ट्यूब इसी में से पास करता है ताकि मेल गेमीट अंदर जो फीमेल गेमीट है उसके साथ फ्यूज़ कर सके ठीक है तो स्टाइल पॉलन ट्यूब को पास करने में हेल्प करती है देन आती है ओवरी ओवरी वाला जो हिस्सा होता है इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल अगर तो जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बनती है फ्रूट बन जाती है ठीक है ओवरी से ही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है और जो ओब्यूल प्रेजेंट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रिपेयर कर देते हैं ऐसे ठीक है तो जैसे मैंगो है मैंगो में एक ही ओब्यूल होता है तो वो एक ही सीड बनाता है और जो गुआवा uh, वगैरह होता है उसमें कई सारी सीड्स होती हैं ठीक है चीके? क्योंकि ओव्यूल्स ज़्यादा होते हैं वो डिपेंड करता है तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन राइस मैंगो और वीट और ज़्यादा ओब्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर मैनल बैलन हो गया बीन्स हो गए पपाया हो गया गुआवा हो गया ठीक इन है इनमें क्या होते हैं कई सारे ओव्यूल्स होते हैं जो सीड्स बनाते हैं आगे ठीक है तो अभी आगे हमने पढ़ना है ये मेगास्पोरोजेनेसिस uh, के बारे में ठीक है क्या मेगास्पोरोजेनिस में क्या होता है स्पोरोजेनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ठीक है जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी पढ़ा उसमें भी स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मतलब मेगास्पोर बनाने के लिए भी स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? वो मेगास्पोर मदर सेल वहाँ से बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल की जब मियोसिस होती है मियोसिस वन और मियोसिस टू कंप्लीट होती है तो प्रॉपर मेगास्पोर टेटर्ड बन जाता है टेटर्ड यानी कि चार सेल बनते हैं ठीक uh, है, बन है इस तरह से मेगास्पोर के जो है वो चार सेल बन जाते हैं इस तरह से ठीक है वन टू थ्री एंड फोर सेल्स बनते हैं चारों सेल्स में से थ्री डी हो जाते हैं जो सिर्फ एक बचता है वही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो माइटोसिस वन करता है ठीक है जब इसकी माइटोसिस स्टार्ट होती है ना तो वन जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो वन न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस में डिवाइड होता है उसको टू न्यूक्लियट स्टेज बोलते हैं ठीक है टू न्यूक्लियट से आगे डिविजन होती है इसकी तो ये फोर न्यूक्लिएट बन जाता है ठीक है वन टू तो थ्री फोर फोर न्यूक्लेट बन जाता है फोर न्यूक्लियस से आगे मतलब ये जैसे यहाँ पे सॉरी मैं ये बना देती हूँ दोबारा से ये टू न्यूक्लियर स्टेज थी ठीक है टू न्यूक्लियर से अभी इसकी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है टू न्यूक्लियस से ये फोर न्यूक्लियस बन जाएगा ठीक है फोर न्यूक्लियस से ये एट न्यूक्लियस बन जाएगा तो एट न्यूक्लियस जब बनेगा तो थ्री ठीक है थ्री प्लस वन और थ्री प्लस वन इस तरह से हो जाएंगे मतलब तीन नीचे और साथ में एक ठीक है जब थ्री सेल स्टेज यहाँ पे है थ्री सेल स्टेज प्लस वन सेल ठीक है इस तरह से यह चार सेल हैं ठीक है ठीके? तो ये डिवाइड हो जाएंगे फिर ठीक है उसी से आगे क्या बनेगा तीन सेल जो हैं वो यहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड बना देंगे ऊपर तीन सेल एंटीपोडल सेल बना देंगे ठीक है इस तरह से एंटीपोडल सेल बना देंगे और जो वन वन सेल इनका था वो बीच में आ जाएगा वन वन जो है वो सेंट्रल सेल में आ जाएंगे पॉलर न्यूक्लियर फॉर्म में ठीक है इस तरह से एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक बनता है ठीक है तो वही उन्होंने दिखाया हुआ है आ, मतलब वही करते हैं आगे ये देखो सबसे पहले क्या था मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड फॉर्म में था टू वन फॉर्म में था ठीक है तो इसकी म्योसिस हुई म्यूसिस के दौरान ये हैप्लॉयड चार बन गए चारों में से तीन डीजनरेट हो गए एक बच्चा ठीक है ये तीन ऊपर वाले डीजनरेट कर दिए एक बच्चा जो एक है वो वाले मेगास्पोर एम्ब्रियो हैप्लॉयड फॉर्म में है ना ये तो आगे ये आ, मतलब ग्रो करेगा ठीक है माइटोसिस करेगा माइटोसिस वन के दौरान सिंगल uh, से टू न्यूक्लियस हो गया टू से फोर न्यूक्लियट हो गया माइटोसिस टू के दौरान माइटोसिस थ्री के दौरान ये थ्री थ्री सेल स्टेज में चला गया ठीक है तो थ्री ऊपर एंटीपोडल फॉर्म में एक बीच में आ गया थ्री यहाँ पे टू सिनारजिड और एक एक्सेल और एक पोलर न्यूक्लियर बीच में आ गया इस तरह से ये प्रॉपर एम्ब्रियो एम्ब्रिय स्ट्रक्चर बना देते हैं बाद में ये फ्यूज़ कर जाते हैं पोलर न्यूक्लियर है, तो टू एन स्ट्रक्चर बीच में बन गया बाकी के ये uh, आ गए ठीक है सेल्स आ गए तो वही दिखा दिया ठीक है तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है तीन एंटीपोडल सेल तीन दो सिनर्जीडिक एक एक्ससेल ठीक है और साथ में ये बीच में पोलर न्यूक्लिया हैं ठीक है थीके? सेंट्रल सेल के अंदर तो ये वाला स्ट्रक्चर है ठीक है अभी ये जो है देखो ग्रोथ कैसे हुई थी मतलब जो माइक्रोपाइल वगैरह की हम बात करें वो बनता कैसे है देखो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं ठीक है ठीके? ये मेगास्पोर मदर सेल है ठीक है मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं उसमें ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है ठीक है माइक्रोपाइल एंड पे है ठीक है ऊपर माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है बीच में ये न्यू सेलस पार्ट है न्यूक्लियस न्यू सेलस पार्ट है एंड मेगास्पोर डाइड ठीक है मेगास्पोर एक था वो डाइड फॉर्म में आएगा डाइड से वो आगे चार सेल में दो से चार सेल बन गए ना तो टेटराइड बन जाता है मेगा स्पोर्ट टेट्रॉड इस फॉर्म में आता है ठीक है तो वही दिखा हुआ है कि मेगा स्पोर्ट टेट्रॉड मतलब चार सेल इस तरह से आते हैं जो हमने पढ़े के उसमें से तीन टीज जनरेट हो गई और एक बचा ठीक है तो अभी अगर इतना हो गया तो आगे करते हैं कि ओव्यूल्स कई तरह के होते हैं ओव्यूल्स टोटल सिक्स टाइप के होते हैं जैसे हमने पढ़ा है कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर ठीक है तो ओव्यूल सिक्स तरह के होते हैं इसका स्ट्रक्चर आगे दिखाया हुआ है ठीक है हमने एम्ब्रियोसैक का किया फिलहाल तक तो अभी कहते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर ओव्यूल के टाइप कितने हैं ऑर्थो ऑर्थोट्रोपस होता है ठीक है ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइलैंड है जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से ये वाला जो है ठीक है ये ओव्यूल है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है कि इसमें जो ये वाला है एम्ब्रियोसैक बीच में होता है बाकी ओव्यूल का पार्ट है ठीक है पूरा तो अगर हम इसका डायग्राम देखें कि ये बनते हैं किस तरह से है तो वो यहाँ पे बताया हुआ है हमें कहाँ गया ये होता है इस तरह से उव्यूल ठीक है तो ओव्यूल में क्या होता है नीचे इसका जो नीचे वाला स्टॉक पार्ट होता है इस स्टॉक पार्ट ठीक है जो कि स्टॉक पार्ट जो यहां से इस पार्ट के साथ जुड़ता है इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल ठीक है ये पूरा पार्ट होता है फ्यूनिकल का फ्यूनिकल जो है जिस एरिया से फ्यूनिकल माइक्रोपाइल ये जो बना हुआ है ना इस तरह से एम्ब्रियो सैक है ठीक है एम्ब्रियो सैक में प्रॉपर सेल से इस तरह से बने हुए हैं एम्ब्रियो सैक के आसपास का जो इस तरह से एरिया होता है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं ये वाले इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट होते हैं दो तरह के आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट इनके बीच वाला जो स्पेस होता है आउटर इनर इंटेग्यूमेंट के बीच के स्पेस को हम बोल देते हैं न्यूसेलस ठीक है तो इसके नीचे जो टिप की तरफ आ रहा है जहाँ से ये जो इंटाग्यूमेंट है वो एक छोटी सी ओपनिंग बना रही हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल जो है वो जहाँ से अटैच होता है फ्यूनिकल के साथ उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम पार्ट ठीक है हाइलम के साथ कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रफे भी बनता है ठीक है एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होती है न्यूसेलस सॉरी इंटाग्यूमेंट्स के बाद में एक uh, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसको हम रफे कह देते हैं ठीक है ठीके? तो रफे बन सकता है इसमें ठीक है तो अभी ये उल्टा दिखाया हुआ है जिसमें माइक्रोपाइल नीचे है तो ऐसे कई टाइप्स के होते हैं जैसे टोटल सिक्स टाइप है ठीक है ऑर्थोट्रोपस एने है एनेट्रोपस हैमी आ, हैमी एनेट्रोपस कैम्पाइलो एमेट्रोपस एम्फी एनाट्रोपस और सरकिनोट्रोपस ठीक है तो ये वाले हैं ये दिखा दिया है ठीक है जिसमें तो जो ओव्यूल है उसमें माइक्रोपाइल जो है वो पार्ट ऊपर की तरफ है इसको बोलते एट्रोपस ठीक है जिसमें माइक्रोपाइल एंड नीचे फ्यूनिकल की साइड पास है वो है एनाट्रोपस जिसमें जो एम्ब्रियोस हैक है वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ बना है ठीक है टेढ़ा बना हुआ है साइड पे बना हुआ है तो माइक्रोपाइल

ठीक है तो ये कैम पाइलोट्रॉपस है सर्किनोट्रोपस में क्या होता है सर्किनोट्रोपस में सर्कल फॉर्म में जो फ्यूनिकल है उसने माइक्रोपाइल है तो ऊपर पर फ्यूनिकल ने उसको ऐसे ऊपर से कवर करके रखा हुआ है फ्यूनिकल उसके ऊपर से ऐसे गुजर रही है ठीक है इसको बोलते हैं सर्किनोट्रोपस तो इस तरह के ओव्यूल्स जो है सिक्स टाइप के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो वही बता दिया तो उसके बाद अभी हम करते हैं पॉलिनेशन के बारे में पॉलिनेशन क्या है जब जो एंथर से ठीक है मेल पार्ट हमने पढ़ा था ना एंड्रोशियम uh, होता है एंड्रोशियम में एंथर और फिलामेंट होता है फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ठीक है तो अभी जो ये एंथर हैं ये हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक लैंड करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलीनेशन कहते हैं अगर तो जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोपाइल से ओव्यूल में uh, सॉरी मतलब uh, हाँ uh, मतलब माइक्रोपाइल मतलब, से माइक्रोपाइल तक पहुंच जाते हैं से नहीं माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं मतलब जो पार्ट है उसका पोलन ग्रेन का वो सीधा ही अंदर जाता है और माइक्रोपाइल पार्ट भी माइक्रोपाइल अभी हमने पढ़ा एमसा के ऊपर जो इस तरह का पार्ट बना होता है माइक्रोपाइल जब वहीं पे सीधा लैंड करता है उसको डायरेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है फिर उससे आगे पास करना पड़ता है वो इनडायरेक्ट पॉलीनेशन होती है ठीक है पॉलीनेशन मेनली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो होती है वो डायरेक्ट पॉलीनेशन होती है ठीक है जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट पॉलीनेशन होती है और एंडोस्पम्प में इनडायरेक्ट ही होती है ठीक है तो हम एंडसपम्प के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल तो पॉलीशन दो तरह की है सेल्फ पॉलीनेशन और क्रॉस पॉलीशन ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन है सेल्फ मतलब जो अपने आप में ही पॉलीनेशन हो जाए सेम प्लांट के सेम फ्लारमिंग हो जाए वो सेल्फ पॉलिनेशन है ठीक है क्रॉस पॉलीनेशन जिसका मतलब प्लांट भी अलग है स्पीशीज uh, सेम है पर प्लांट अलग अलग हैं फ्लार अलग अलग हैं तो इसके ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गए किसी एजेंट के थ्रू उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलीनेशन जिनोगी या एलोगैमी भी बोल सकते हैं ठीक है सेल्फ पॉलीनेशन दो तरह की है एक होती है ऑटोगी एक होती है जिटनोगी ऑटोगैमी का मतलब अभी ये फ्लार है ठीक है अगर तो इसी फ्लार के सेम फ्लार के ग्रेन सेम स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं तो वो है सेल्फ पॉलीनेशन अगर प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट हैं इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जाते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के जिटनोगी होती है ठीक है सेम प्लांट से सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गए तो ऑटोगैमी सेल्फ की ऑटोगैमी अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो जिट्नोगी ठीक है तो ये वाली बताई हुई है वही लिख दिया आगे ठीक है ऑटोगी क्या है सेम प्लांट सेम फ्लावर में जिट्नोगी सेम प्लांट बट फ्लावर डिफरेंट है जीनोगैमी तो प्लांट स्पीशीज सेम है जस्ट प्लांट दोनों ही अलग हैं फ्लावर भी अलग अलग ही होंगे ठीक है फ्लावर चाहे जो मर्जी हो प्लाट ही अलग है सीधी सी बात ये है तो वो जीनोगैमी या एलोगैमी उसको बोल देते हैं ठीक है ठीके? तो अगर जिट्नोगी देखें जिटनोगी जेनेटिक बेस पे तो है सेल्फ पॉलीशन में ही जीन्स तो उसके उसके जैसे काम कर रहे हैं उसी के ही हैं तो ये जेनेटिकली जो ये इक्वलेंट है सेल्फ पॉलीनेशन के बट इकोलॉजिकली या फंक्शनली फंक्शन इसका कैसे है देखो अगर ये वाला फ्लार है और ये वाला फ्लावर है इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन या तो उड़ के आएंगे या किसी एजेंट मतलब आ, किसी इंसेक्ट के थ्रू आएंगे या बॉर्डर वगैरह के थ्रू यहां तक पहुंचेंगे खुद तैसे तो गिर नहीं सकते है ना तो उसके भी कई फॉर्म है ना तो इस तरह से इसको किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी तो अगर एजेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये इक्वली जो है इकोलॉजिकली ये मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन से ठीक है फिर है कि पॉलीनीशन जो है ये ओपन फ्लावर्स में जब होती है ओपन फ्लावर का मतलब एक फ्लावर होती हैं जिनमें जो फ्लावर हैं वो एक्सपोज है कहने का मतलब उसके मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो है वो एक्सपोज है दिखाई दे रहे हैं पेटल्स खुली हुई होती हैं उसकी जैसे ओपन फ्लार में अगर पॉलीशन होती है तो वो आ, क्या होती है कैजमोगी होती है ठीक है फ्लार को बोलते हैं कैजमोग फ्लार और प्रोसेस होती है कैजमोगी एक्सपोज ऑर्गन है ठीक जब है जबकि जो क्लोज फ्लार में होती है क्लोज फ्लार जो फ्लार की पेटल्स बंद ही रहती हैं ठीक है फ्लार की पेटल्स जो है वो बंद ही रहती हैं क्लोज फ्लार में हुए उसको क्लिस्टोगेमी बोलते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद आता है कि अभी सेल्फ पॉलिनेशन एंड हो ठीक है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रवेंसीज होनी चाहिए क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे श्योर हो जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है एक तो अगर फ्लार जो है वो बाइसेक्शल हो बाइसेशल का मतलब फ्लार जो है उसमें दोनों ही गैमेट जो हैं वो प्रेजेंट हों तो फ्लार एक तो बाइसेक्शल होगा अगर और उसमें जो जो मेल फीमेल गैमेट है मेल फीमेल पार्ट है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं जिसको होमोगैमी बोलते हैं एक ही टाइम पर अगर मैच्योर होते हैं तो आराम से सेल्फ पॉलीशन हो सकती है फिर दूसरा है कि क्लिस्टोगैमी होनी चाहिए क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज्ड फ्लावर होनी चाहिए तो उसी के पॉलन

फ्लार uh, की ओपनिंग से पहले पहले ही जिसको हम बोलते हैं एंथेसिस जब फ्लार ओपन नहीं हुआ है क्लोज फॉर्म में ही है अभी फ्लार ओपन होने से पहले की जो प्रोसेस है वो एंथेसिस है तो इस दौरान अगर जो फ्लार बड कंडीशन में है तो वहीं पे उसी टाइम पे पॉलीनेशन हो जाए तो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी ठीक है देन अगर हम कॉन्ट्रवेंसिस करते हैं क्रॉस पॉलिनीशन की क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि क्रॉस पॉलीशन इंश्योर करने की क्या चीज़ें हैं ठीक है ठीके? वो है डाइकोगैमी ठीक है डिकोगी भी इसको बोल सकते हैं डिकोगी में क्या होता है कि uh, जो पार्ट हैं मेल फीमेल पार्ट मतलब क्रॉस पॉलीनेशन कब होएगी जब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो ठीक है तो अगर मान लो ये प्लांट के फ्लावर हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो ठीक है यहाँ के पॉलिन ग्रेन इधर आए तो अगर हम ये चाहते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए एक तो क्या क्या चीजें हैं पहली आ गई कि अगर तो प्लांट जो हैं उनमें फ्लावर डिफरेंट टाइम पे उसके पार्ट जो हैं वो मैच्योर हों ठीक है मान लो कि जो मेल गैमेट है वो पहले मैच्योर हो गया फीमेल अभी हुई नहीं तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट पे अपने पोलन ग्रेन नहीं फेंक सकता अगर वो लैंड भी कर जाएंगे तो वो फीमेल गेमीट जो है फीमेल पार्ट जो है वो तो अभी मैं चोर ही नहीं हुआ तो उसको कैसे पोलिनेशन कंप्लीट करके तो आगे फर्टिलाइजेशन होने में हेल्प करेगी है ना इसीलिए तो डिकोगैमी क्या है इसमें डिफरेंट टाइम पे अगर जो पार्ट्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं मेल फीमेल तो उसको हम डिकोगैमी बोलते हैं जैसे प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी है ठीक है प्रोटेंड्री में क्या होता है कि मेल गेमीट पहले मैच्योर हो जाए फीमेल गेमीट से तो उसको प्रोटेंड्री बोल देते हैं कि मेल गेमीट पहले मैच्योर हो गया है ग्रेन बन गया जबकि स्टिग्मा जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ को पॉलिनेट करवाने के लिए ठीक है तो ऐसे सनफ्लावर में होता है प्रोटोगाइनी क्या होता है प्रोटोगाइनी में अगर फीमेल जो है वो पहले ही मैच्योर हो जाती है फीमेल पार्ट जो मैं हो जाता है पहले ही मेल से तो पॉलन ग्रेन तो अभी आए नहीं तो वो आ, मतलब पॉलिनेट किसको करेगी ठीक है तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलीनेशन आसानी से हो जाती है ठीक है तो मस्टर्ड में प्रोटोगाइनी होती है फिर यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लिनी यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लार ही प्रोड्यूस हो यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक ही या तो मेल या फीमेल तो ये दो तरह के हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो दो तरह के कौन कौन से हैं ये वाले बताए हुए हैं कि मोनोशियस हो सकते हैं या डायोशियस मोनोशियस का मतलब मोनो यानी कि वन ठीक है प्लांट एक ही है ठीक है और फ्लार दो अलग अलग हैं मतलब प्लांट एक ही बट यहाँ पे मेल फ्लावर बन रहा है और यहाँ पे फीमेल फ्लावर बन रहा है तो ये मोनोशियस हो जाएगा ठीक है डायोशियस क्या होता है डायोशियस का मतलब दो दो अलग अलग प्लांट है जिनपे अलग अलग फ्लावर हैं ठीक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स का मेल हो सकता है या फीमेल फ्लावर हो सकता है मेल फ्लावर यहाँ पे है ठीक है एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे है ऐसे करते हैं तो ये डायोशिस है ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती है फिर हरको गैमी हरकोगैमी में क्या होता है कि फिजिकल बैरियर होते हैं कुछ मेल या फीमेल पार्ट्स में कुछ बैरियर ऐसे आ जाते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देते उसको फर्कोगैमी बोलते हैं हिटीरो स्टाइल क्या होता है हिटीरो स्टाइल का मतलब जो स्टाइल है स्टाइल क्या होता है ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है ठीक है स्टाइली अगर डिफरेंट लेंथ के हैं तो ऑब्वियसली पॉलन को टाइम लगेगा पॉलिनेट करने में ठीक है तो स्टाइल डिफरेंट लेंथ के होते हैं तो ये हिटीरो स्टाइल के बारे में हमें डारबिन ने बताया था ठीक है चार्लस डारबिन ने तो हिटीरो तरह के हो सकते हैं डाई हिटीरो मतलब हितिरो, जो स्टाइल है वो दो अलग अलग लेंथ के हैं एक ऐसा ठीक है या एक इतना सा है ना मतलब ऐसे करके अलग अलग लेंथ के अगर तीन स्टाइल हैं और वो अलग अलग लेंथ के हैं तो ट्राई त्रा, हिटीरो बन जाएगा ठीक है तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब खुद में ही कम्पेटेबल ना हो चाहे प्लांट के स्पीशीज भी सेम है ठीक है पॉलन जो है वो स्टिग्मा तक आ भी गया पर जर्मिनेट ही नहीं कर पाया इसको बोलते सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी ठीक तो है तो ये प्रोसेस होती हैं तो आपको इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ लें पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन है ना इस जो ये क्रॉस पॉलिनेशन की कॉन्ट्रोवेंसीज इसके बेस भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में मास्टर कैडर में ठीक है तो ये टाइप ऑफ पॉलीनेशन का जो डिस्कस कर चुके हैं वही थोड़ा सा डायग्राम में से देख लेते हैं कि अगर एक ही प्लांट के सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो रही है पॉलन, पॉलिनेशन, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी ऑटोगैमी अगर प्लांट एक ही है बट फ्लावर दो अलग अलग हैं इसके पॉलन ग्रेन इस तक इसके स्टिग्मा तक आ रही हैं तो है, सेल्फ पॉलिनेशन की ठीक ठीक है 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 ये इसमें कोई एजेंट की जरूरत पड़ सकती है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट सेम स्पीशीज के हैं बट प्लांट अलग अलग हैं ठीक है तो यहाँ के ग्रेन यहाँ पे के स्टिग्मा तक आई ये क्रॉस पॉलीनेशन हो जाएगी किसी एजेंट के थ्रू अगर हम खुद से करते हैं ठीक है मतलब ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व है फंक्शनिंग तो उसमें हम खुद से अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक भेज सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ तक हमने कर लिया इनकम्पेटिबिलिटी तक आगे हम पढ़ते हैं एजेंट कौन कौन से होते हैं देखो सिंपल सी बात है कि पॉलिनेशन में जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें तो एजेंट की जरूरत ही नहीं है खुद ही ग्रेन खुद ही स्टिग्मा तक आए जा रही है ना तो वो आसान सा काम है उसमें कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती जबकि जो पॉलिनेशन uh, ये वाली होती है होती है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरत पड़ती है एजेंट्स की है ना क्योंकि अपने आप तो हो नहीं सकती है तो ये दो तरह के एजेंट्स होते हैं एक होते ए बायोटिक होते बायोटिक एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एजेंट ठीक है तो उसको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट जैसे कि विंड के थ्रू हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है कि ग्रेन हवा के थ्रू उड़े और स्टिग्मा तक चले गए ग्रेन अगर हल्के होंगे तो आसानी से उड़ सकते हैं ना तो ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पर जो ये पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन वो विंड के थ्रू होती है तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो एनिमोफिली पाम वगैरह में हो सकती है पाम के पेड़ में हो सकता है हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं ठीक है हाइड्रोफिली दो तरह की है एप्पी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली एपी का मतलब जब वाटर के सरफेस के ऊपर ही हुए ठीक है ये वाटर सर्फेस है ठीक है है ये वाटर वाटर का के के ऊपर ही पॉलिनेशन हो रही है अगर तो ये है एपीहाइड्रोफिली ठीक है सर्फेस पे ही अगर पॉलिनेशन हो रही है तो एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं ओवर सर्फ वाटर सर्फेस अगर वाटर में हो रही है पानी है पानी के अंदर ये प्रोसेसेस चल रही है पॉलीनेशन की तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली ठीक है हाइपोहाइड्रोफिली तो यही बताया हुआ है देखो हाइड्रोफिली जो है ये होती है हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि पानी के अंदर जो होती है ये नाजाज और जोस्टेरा में होती है और मायरियो मायरियोफाइलम और वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती है ठीक है आपको पूछ सकते हैं अगर आपको पूछा जाए कि ये जो हाइड्रोफिली होती है मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो किस में हो सकती है आपको एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं जोस्टेरा वेलिसनेरिया है ना तो ऐसे में आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो इसके फीचर्स क्या है फ्लार छोटा होना चाहिए कलर या ऑर्डर या नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरतें नहीं है उसको ठीक है एब्स तो, तो भी चलेगा स्मॉल और नॉन स्टिकी और लाइट वेट वाले पॉलन ग्रेन होने चाहिए स्टिग्मा अनवेटेबल गीला नहीं होना चाहिए सरफेस के ऊपर है तो गीला नहीं होगा आराम से पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर में ऐसे वाटर के ऊपर सर्फेस के ऊपर ही मतलब पॉलिनेट कर सकते हैं एनिमोफिली का क्या था ठीक है एनिमोफिली में क्या होता है कि जो आ, देखो सॉरी इसका तो एक एक चीज़ रहेगी जो स्टिग्मा है ठीक है वो अनवेटेबल होना चाहिए यानी कि उसके ऊपर कवरिंग कोई होनी चाहिए जिससे कि वेट ना हो सके वो ठीक है या पॉलन ग्रेन भी ऐसे होने चाहिए अनवेटेबल होने चाहिए वेट हो तो वो फिर आ, मतलब पॉलीनेट नहीं कर पाएंगे आसानी से ठीक है तो ये चीज़ जरूरी है उसके बाद आती है एनिमोफिली ठीक है एनिमोफिली में क्या होता है विंड के थ्रू हो रही थी ना तो ये मेज में जिसको जी मेज बोलते हैं साइंटिफिक नेम तो मेज़ के मक्की में ओक हो गया ग्रासेस होगी कोकोनट पाम और cannabis. इसमें क्या होती है एनिमोफिल के थ्रू पॉलीशन होती है ग्रेन ड्राई होने चाहिए स्मॉल साइज के नॉन स्टिकी चिपकने वाले ना हो है ना फ्लॉर uh, एक्सपोज्ड होना चाहिए और फैद्री स्टिग्मा होना चाहिए ठीक है ग्रास केस में तो उसके थ्रू विंड के थ्रू फिर पॉलिनेशन आसानी से हो सकती है विंड जो है पोलनग्रेन को आसानी से ड्राई होंगे छोटे साइज के होंगे तो नॉन स्टिक होंगे उड़ा के ले जाएगी अपने साथ ठीक है तो अभी ऑर्किड जो होता है ऑर्किड में सीडो पॉपुलेशन होती है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है मास्टर केडर में उन्होंने ना आपको ऐसे दे दिया कहते हैं अगर एक वॉस्प है ठीक है वॉस्प का नाम होता है कॉल्पा और नाम तो चलो उन्होंने वैसे नहीं बोला था बट क्वेश्चन उन्होंने मास्टर मास्टर केडर में पूछा था कि जो वास्प है एक ठीक है वो ऑर्किड के प्लांट जो ऑर्किड का प्लांट होता है ना उसके फ्लावर की शेप कुछ आ, मतलब इंसेक्ट जैसी होती है तो वास्प को लगता है कि वो सेम उसी की आ, फैमिली का वास्प है तो उसके साथ वो मेटिंग करने के लिए आता है कॉपुलेट करने के लिए आता है कि हाँ चलो रिप्रोडक्शन हो जाएगी है ना तो उसके लिए वो ऑर्किड पे प्लांट पे आता है ठीक है तो उसकी ऑर्किड प्लांट पे आने से जो फ्लावर होता है जो इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है तो वो उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करता है तो जो ग्रेन्स वगैरह उसकी बॉडी पे होते हैं तो वो वो वहां पर रह जाते हैं फीमेल फ्लार पे चले जाते हैं तो फ्लार में पॉलिनेशन हो सकती है तो वास्प के थ्रू इस तरह से पॉलिनेशन हुई है बट तो कॉपुलेशन की फॉर्में हुई है वो तो कॉपोलेट करना चाहता था तो इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपोलेसन ठीक है तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने ऑप्शन में डाला था तो आपने स्यूडो कॉपोलेशन बता देना है ठीक है आई थिंक टू वाले पेपर में ही मेरे ख्याल से आया हुआ है ठीक है तो वो वाला है ये ठीक है उसमें पूछा गया तो आप ध्यान से करना नेक्स्ट है यहाँ पे रह गया हमारा कुछ ये हो गया ये भी हो गया ओके देन बायोटिक एजेंसीज के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होती है बायोटिक एजेंसीज में आ, एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो एंटोमोफिली है बर्ड्स के थ्रू हो रही है तो ऑर्निथोफिली है बैट्स के थ्रू होती है तो कारोटेरोफिली है मेलेकोफिली होती है स्नेल या स्लग के थ्रू अगर हो रही है एंट्स के थ्रू हो रही है तो मायरिको मायरिमेकोफिली बोलते हैं उसको ठीक है तो इसके बाद अभी आगे हम पॉलीश पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन यानी कि पोलन ग्रेन पिस्टल के साथ इंट्रैक्ट कर जब करते हैं तो क्या होता है तो कहते हैं सेम स्पीशीज के से अगर पॉलन ग्रेन होंगे सेम स्पीशीज के पोलन ग्रीन सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे जाएंगे तो वो आसानी से पॉलिनेट कर सकते हैं क्योंकि कंपेटिबिलिटी है इनमें कंपैटिबल है एक दूसरे को लेकर तो अगर पॉलन ग्रीन जो है वो कंपैटिबल है तो स्टिग्मा पे लैंड करके वो आसानी से पॉलिनेट कर सकते हैं कैसे वो वॉटर और न्यूट्रियट्स स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डेवलप कर जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं जर्मिनेट होने की वजह से उनकी पॉन ट्यूब आ गई हमने पढ़ा था ना पॉलन ग्रेन होता है उसकी एग्जाइन होती है उसकी इंटाइन होती है तो इन

तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए अभी ये देखो तो उन्होंने हमें यहाँ पे दिखा दिया कि ये वाले पार्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये ओब्यूल सैक uh, होता है ठीक है ओव्यूल होता है uh, पहले तो ये है ओवरी ये है ओवरी ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ लुक्यूल बोलते हैं ठीक है लुक्यूल uh, जो है वो स्पेस है उसकी ठीक है तो ओवरी के वॉल के साथ जो अटैच होती है जो लेयर अटैच होती है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा के आगे ये मतलब उसके साथ ही फ्यूनिकल पार्ट जुड़ा होता है ठीक है फ्यूनिकल पार्ट वगैरह जुड़ा होता है फ्यूनिकल है माइक्रोपाइल है ठीक है रफे है कईयों में होता है रफ़े ऊपर चलाजा है इंटाग्यूमेंट आउटर और इनर है बीच में न्यू सेलस होता है और अंदर एम्ब्रियोसेक है ठीक है एम्ब्रेसैक का तो मैं पता है कि एंटीपोडल सारि वो होते हैं सिनर्ज होते हैं और पोलर न्यूप्ले होते हैं ठीक है ये प्रेजेंट होता है तो वो दिखा दिया है ठीक है यो का स्ट्रक्चर है देन ये हमें पता है कि जब पोलन ग्रेन्स जो हैं ठीक है पॉलन ग्रीनस जब जर्मिनेट करते हैं न्यूट्रिशन लेके तो इस तरह से अपनी पॉलन ट्यूब निकालते हैं ठीक है ये उसके ट्यूब न्यूक्लियस है ये उसके स्पम न्यूक् हैं ठीक है जो तो प्रॉपर नरिशमेंट लेगा वो अंदर तक चला जाएगा ये देखो तो यहाँ से पॉलन ग्रीन जो है वो अंदर तक चला गया पॉलन ट्यूब बना के तो पॉलन ट्यूब में मेल गया है ठीक है पॉलन ट्यूब में मेल गया है तो उस स्टाइल में से होता हुआ यहाँ से देखो अंदर एंटर कर गया एम्ब्रियोसेक के ठीक है एम्ब्रियोसेक के थ्रू एम्ब्रियोसेक के अंदर वो फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करने के लिए कई वे से एंटर कर सकता है कॉमनली तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही करता है देखो ये माइक्रोपाइल रीजन है माइक्रोपाइल रीजन से सेलन ट्यूब जो है वो अपने मेल गेमेट को अंदर छोड़ने का काम करेगी है ना ताकि जो एम्ब्रियोसेक uh, में ऊपर एंटीपोडल सेल है नीचे सिनर्जिड्स हैं फिलीफॉर्मा पर्चर के साथ और ऊपर एग सेल है बीच में पोलो न्यूक्लियर है तो जो पॉलन ट्यूब आती है जब वो एंटर करती है अपना मेल गेमिट छोड़ने के लिए तो सिर्फ एक डीजनरेट हो जाता है और केमिकल से क्रिएट करता है जिससे डायरेक्शन मिलती है पोलन ट्यूब को और वो अपने पोलन ग्रीन को सॉरी मेल गेमिट को तो वो सीधा एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाता है ठीक है और फर्टिलाइजेशन कर देता है जो दूसरा वाला मेल गेमिट होता है अभी वो, वो भी तो किसी के साथ फ्यूज करेगा इसलिए दूसरा सनर्जिड डीजनरेट होता है स्पेस मिली उसको एंटर करने के लिए तो वो पोलर न्यूक् दोनों तो पोलर न्यूक्लिय जो टू एन फॉर्म में चले गए ना फ्यूज़ करके उसके साथ फ्यूज़ करते है तो थ्री एन स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से वो फ्यूज़न कर देता है तो फर्टिलाइजेशन भी हुई नॉर्मल एक्सल के साथ मिल्गामीट की और ऊपर पोलर न्यूक्लियई फ्यूज़ कर गए दूसरे मिल्गामीट के साथ तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुई एक बार में सिंपल फर्टिलाइजेशन जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं दूसरी फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं कि वो फ्यूजन हुई है तो टू एन की टू एन पोलर न्यूक्ले था साथ में वन एन एक एन जो है सिंगल एन हैप्लॉयड अपना मिल गीट है वो फ्यूज करके थ्री एन ट्रिप्लॉयड ट्रिपल फ्यूजन कर देता है एंडोस बनाने के लिए तो दो बार फर्टिलाइजेशन में तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी वही आगे डिस्कस करना है हमने ठीक है तो वो यहाँ पे आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं जैसे पॉलिनी इंट्रक्शन पढ़ा हमने ठीक है वो डिवाइस पढ़ी जिससे सेल्फ क्रॉस क्रॉपिनेशन एश्योर हो सके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिल आइबिडाइजेशन डिस्कस कर ली फिर डबल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम जब अपने खुद से करवाते हैं है ना हाइब्रिडाइजेशन अपनी मर्जी से पॉलन ग्रीन डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को हम चाहते हैं कि ये आगे पॉलिनेशन करके तो फर्टिलाइजेशन करके नए जीन्स का मतलब वो निकाले है ना तो आर्टिफिल हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फायदे हैं जैसे अगर तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहेगी सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहेगी तो सेम तरह के जीन्स वाले प्लांट्स बनेंगे तो उसमें क्या होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा हो जाता है बार बार एक जैसे जीन प्रोड्यूस होंगे तो उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी कैपेसिटी कम हो जाएगी उसको ही बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उसमें प्लांट में जो डिसीजेज पहले दूसरा के प्लांट में जो डिसीजेज पहले उसके अंदर थी वो आने वाले प्लांट्स में भी वो सारी डिसीजेजे पास करेंगे ये जीन सेम पास करने की वजह से तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम आर्टिफिशियल लाइवडाइजेशन करवाते हैं ठीक है उसके स्टेप है इमेस्कुलेशन करना बैगिंग करना डस्टिंग करना देन रीबैगिंग कर देना ठीक है पहले क्या करते हैं हम जो डिजायर्ड क्वालिटी के पॉल एंड ग्रीन है उसको चूज किया जाता है फिर जो फ्लार है ठीक है मान लो जो फ्लार है ठीक है जो फ्लार है वो पाइसेक्शुअल है उसमें तो स्टिग्मा को रहने दिया जाएगा और जो पोलन ग्रेन है प्रोड्यूस करने वाला पार्ट एंथर अभी जब जो फ्लावर है जो बड कंडीशन में ही है जब उसके जो पोलन ग्रेन बने नहीं हैं एंथर मैच्योर नहीं हुआ तो उसी टाइम पे एंथर को जो है वो कट कर दिया जाता है ठीक है उसको काट दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन करना ठीक है इमेस्कुलेशन करने के बाद अभी फीमेल पार्ट अकेला रह गया तो हम उसको बैग कर देंगे बैग यानी कि उसको जो बटर पेपर वगैरह होता है ना उसके साथ कवर कर देना बैगिंग कर देना उसकी कवर कर देना स्टिग्मा को ठीक है ऐसे कवर कर देना ताकि और पोलन ग्रेन उस पर आके उसको कंटामिनेट ना कर पाए ठीक है तो मतलब उस पर आके पॉलिनेट ना कर पाएँ और क्योंकि हम चाहते हैं हमारी अकॉर्डिंग ही पॉलीनेशन हो तो फिर जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रीनस हैं जो हम चाहते हैं वो हम बैग को हटा के बैगिंग को हटा के फिर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया जाता है ठीक है डस्ट करने के बाद अभी यही पॉलन ग्रेन आगे पॉलीनेशन करके फर्टिलाइजेशन करे तो फिर से उसको और कोई ना आके कर सके कंटामिनेट उसको फिर से उसको कवर कर देते हैं शीट के साथ है ना बटर पेपर वगैरह के साथ उसको बोल देते हैं री इस तरह जो, जो produce, जो से जो मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी फ्रूट वगैरह या जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उससे जो हमारे डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं ठीक है तो आपको स्टेप्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है देन पॉलन uh, ट्यूब की हम बात कर रहे थे कि पॉलन ट्यूब वैसे तो माइक्रोपाइल के थ्रू ऐसे पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियोसेक तक जाने के लिए माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है पर ये तीन तरीकों से एंटर कर सकती है वो कौन सी हैं एक तो अगर माइक्रोपाइल के थ्रू ही कर रही है तो उसको पोरोगैमी बोलते हैं ठीक है अगर तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करती है उसको बोलते हैं पोरोगैमी अगर चलाजा चलाजा पार्ट जो ऊपर होता है इस तरह से एम्ब्रियो सैक है ठीक है ये बना हुआ उसके पास इस तरह से बनी हुई हैं माइक्रोपाइल इंटेग्यूमेंट्स बने हुए हैं ठीक है, uh, है देन इसके पास इस तरह से फ्यूनिकल्स बना हुआ है तो ये चलाजा पार्ट है अगर चलाजा के थ्रू ऐसे पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी ठीक है एंजियोस्पर्म में तो वैसे ही पोर, uh, पोरोगैमी यानी कि माइक्रोपाइल के थ्रू ही ऐसे पोन ट्यूब एंटर करती है अगर तो इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल के थ्रू करती है ठीक है इंटेग्यूमेंट पार्ट से कर रही है या फ्यूनिकल के साइड से कर रही है तो फ्यूनिकल वाले साइड से ऐसे नहीं फ्यूनिकल से तो उसको हम बोलते हैं मीजोगी ठीक है इंटेग्यूमेंट के के, के थ्रू करती है कुकुरबिटा में और फ्यूनिकल के थ्रू करती है पिस्टिक पिस्टाक्ष में ठीक है तो ये बोलते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में ये देखो वैसे तो अगर पोरोगैमी में क्या होता है पोलन ट्यूब ऐसे एंटर करेगी माइक्रोपाइल के थ्रू फ्यूज करने के लिए तो पोरोगैमी है अगर उसने ऊपर से चलाजा से एंटर किया तो वो चलाजोगी है अगर उसने साइड से इंटेग्यूमेंट के थ्रू कर लिया या यहाँ से फ्यूनिकल के फ्यूनिकल के थ्रू ऐसे कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे मीजोगी बोल देंगे ठीक है तो ये अलग अलग केसेज में होती है उसके बाद हम कर रहे हैं फर् डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन दो बारी फर्टिलाइजेशन होना कैसे हुई सभी में तो एक बार होती है तो क्या होता है जब जो मेल गैया है जो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गीट थे उसमें से एक मेल गीट जो है एक मेल गीट जो है ठीक है वो यहाँ से एग सेल के साथ फ्यूज कर गया तो सिंपल फर्टिलाइजेशन हुई एग सेल ने मेल गया एन एन फॉर्म में फ्यूज़ कराया तो डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना जाए फर्टिलाइजेशन के थ्रू ठीक है ये तो एक सिंपल फर्टिलाइजेशन होगी फिर इधर दो मेल गीट हैं एक ने फ्यूज़ कर लिया दूसरा तो रह गया तो दूसरा मेल गीट जो है वो अंदर जाके देखो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो डिजनरेट भी हो सकते हैं अगर रह गए तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे अदरवाइज तो डिजनरेट हो जाते हैं तो यहाँ से सिनर्जिड यहाँ पे फिलीफॉमे परचर होता है ठीक है ये तो मैं भूल ही यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है ना एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे फिलिफॉर्म में पर्चर होता है थोड़ा थिक पार्ट होता है Synergids का थोड़ा थिक सा पार्ट होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो एंटर कर सके एम्ब्रियोसैग के अंदर और एग्सेल के साथ फ्यूज़ कर सके ठीक है तो ये फंक्शन होता है हमारे फिलिफॉर्म फिलीफॉमेपर्चर का तो मास्टर केडर में ये भी फिलिफॉर्म फिलीफॉमेपर्चर को लेके क्वेश्चन आया कि, कि, कि फिलिफॉर्म फिलीफॉर्मेपर्चर का क्या फंक्शन है तो हमें बता देना ये गाइड करता है पोलन ग्रीन को सॉरी पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए एम्ब्रियोसेक के अंदर ठीक है तो फिर हमने क्या कहा कि जो दूसरा पोलन दूसरा मेल मेलगेमीट है वो जो बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एक्साल तो फर्टिलाइज कर चुका है जयगॉट बन गया है तो बाकी दूसरा जो होता है पोलन ट्यूब का मेल मेलगेमीट वो बचे हुए बीच में पोलर न्यूक्लियाई है टू एन फॉर्म में फ्यूज़ करके तो टू एन के साथ एन फ्यूज़ करेगा तो थ्री एन स्ट्रक्चर बना देगा तो एम्ब्रोसैक में जयगॉट बनने के साथ साथ एंडोस्पर्म भी बन जाता है दो बार फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन दोनों होनी डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है फिर ये तो जैसे पहले हमने वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैगसपोरोजेनिस पढ़ा वो थी प्री फर्टिलाइजेशन ठीक है प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन हुई वो सिंपल फर्टिलाइजेशन थी जो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद होगी वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो भी होगा ठीक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जागॉट बना और एंडोस्पर्म uh, बन गया ठीक है इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस होते हैं वो भी हमने पढ़ने हैं ठीक है ठीके? वही बताए हुए हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में uh, जो है एंडोस्पर्म बनता है ठीक है एंडोस्पर्म जो होता है Uh, फिलहाल इनकी बात ओके सॉरी पहले इसको छोड़ो पहले तो यहाँ पे आओ ये वाला पढ़ते हैं पहले ठीक है उसके बाद ही बाकी के बारे में पढ़ेंगे तो देखो जब भी फर्टिलाइजेशन होती है कि फ्लार के कौन से पार्ट का क्या बनता है देखो जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद पहले तो केलक्स कोरोला एंड्रोशियम वगैरह स्टाइल वगैरह थे जब तक पॉलिनेशन होएगी तब तक एंड्रोशियम वगैरह रहेगा उसके बाद ये खत्म स्टाइल स्टिग्मा तब तक रहेगा पॉलिनेशन करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं ठीक है थीके? बचते है नहीं है वैसे ठीक है ओवरी जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में चेंज हो जाती है ओवरी की बोल पैरिकाप बना देती है ओव्यूल जो होते हैं वो सीड बना देते हैं जो इंटेग्यूमेंट अगर तो बच गए तो सीड कोट यानी कि सीड की लेयर बना देंगे टेस्टा टैगमन ठीक है ये देखो आउटर इंटेग्यूमेंट है टेस्टा बना देता है बच जाए तो इनर इंटेग्यूमेंट टैगमन बना देता है जो माइक्रोपाइल पार्ट होता है वो माइक्रोपाइल ही

जो मेन है मेन जो हमारा है फर्टिलाइजेशन के बाद जयगॉट uh, और uh, endosperm बना अभी endosperm की पहले बात करते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जयगॉट को ठीक है तो जो एंडोस्पम होता है एंडोस्पम हमारे पास है कि ये फ्री न्यूक्लियर न्यू सेलुलर और हेलोबियल फॉर्म में तीन तरह का होता है ठीक है कौन से तीन तरह का होता है फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में और uh, आगे जाके ये सेलुलर फॉर्म में देन हेलोबियल फॉर्म में पाया जाता है ठीक है तो अगर देखो जो एंडोस्पर्म होता है ठीक है एंडोस्पर्म जो है ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता है थ्री एंड स्टेज में था पहले इसके जो न्यूक्लियर होते हैं ये सेल में ये क्या करते हैं डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे इनमें माइटोसिस होती जाएगी होती जाएगी ये डिवाइड करते जाएंगे ठीक है ऐसे डिवाइड करते जाएंगे पर अलग नहीं होंगे सेल एक ही है तो इसमें ऐसे वॉल बन के ये अलग नहीं होते हैं एक ही रहते हैं न्यूक्लियस कई सारे हैं न्यूक्लियस पर एक में ही रहेंगे तो ये कई सारे क्या हैं फ्री न्यूक्लियर हैं क्योंकि सेल वॉल ने इसको अलग ही नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में जब फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में होते हैं तो एंडसपम के वन सिक्सटी वन फैमिलीज में ऐसा ही होता है फ्री न्यूक्लियर ही बनते हैं ये तो उससे क्या होता है मल्टी सेलर फॉर्म में है ये ठीक मतलब है मतलब कई सारे हैं सॉरी मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में मल्टी सेलर सेल एक ही है बट न्यूक्लियस कई सारे हैं मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में है फ्री फॉर्म में तो ऐसे में ये कई बार वाटर फॉर्म में आ जाते हैं तो कोकोनट मिल्क इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है कोकोनट वाटर में कोकोनट मिल्क मिल्क जो होता है कोकोनट मिल्क हम जो हम पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म ही होती है एंडोस्पर्म की ठीक है और न्यूक्लियर uh, फॉर्म में जैसे ये एंडोस्पर्म है ठीक है जैसे ये डिवाइड होना शुरू हुआ तो इसके जो न्यूक्लियस थे वो ऐसे आए तो इनको वॉल्स इनके आसपास बन गई मतलब साइटोकाइनोसिस प्रॉपर हुई डिवीजन के साथ साथ इसमें साइटोकाइनोसिस होने से इनकी वॉल भी बन गई तो इस तरह से ये सेलुलर फॉर्म में आ गया तो जो कोकोनट में सेलुलर फॉर्म में ये हो जाता है ना साइटोकाइनोसिस के दौरान प्रॉपर सेल वॉल बनने से उसको हम बोलते हैं कोकोनट टेंडर या कोकोनट कैनल ठीक है कोकोनट कैनल जो गिरी होती है व्हाइट पार्ट होता है कोकोनट का नारियल का जो व्हाइट पार्ट हम खाते हैं वो सेलुलर पार्ट है ठीक है और जो पानी हम मिल्क को, कोकोनट मिल्क लेते हैं वो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म होती है उसकी एंडोस्पर्म की हेलोबियल फॉर्म में होता है इस तरह से इसमें हेलोबियल फॉर्म में क्या होते हैं कि ये सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच बीच की स्टेज है हेलोबियल फॉर्म जो होती है ठीक है इसमें जो यहाँ का माइक्रोपायल पार्ट होता है वो एंटीपोडल वाले के से जल्दी मतलब ग्रो कर जाता है ऊपर चलाजल पार्ट से जल्दी ग्रो कर जाता है ऐसे ऐसे करके ठीक है तो इसको हम बोल देते हैं हेलोबियल फॉर्म बोल देते हैं ठीक है ठीके? तो इंटरमीडिएट है सेलुलर और न्यूक्लियर पार्ट दोनों के इनके इंटरमीडिएट है ठीक है इसकी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जो एंडोस्पम फ्री न्यूक्लियर फॉर्म है मेज वीट राइस सनफ्लावर कैप्सिल बरसा पेटो पेस्टोरिस वो तो कॉमन एग्जाम्पल है कैप्सिला और बरसा सॉरी कैप्सिला मतलब मतलब, मतलब क्या -क्या, तो उसके बाद ये सेलुलर फॉर्म की बात करें तो इसमें बालसम धतूरा पैचूनिया आ गया ठीक है और हेलोबिल फॉर्म में एज हो गया इसके एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है ये आ जाता है आ, देन हम करते हैं आगे जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलपमेंट के दौरान अपने अंदर जैसे एम्ब्रियो जो है जैसे वो डेवलप हो रहा है तो वो एंडोस्पर्म से अपना फूड लेता है ठीक है देखो ये एम्ब्रियो सैक था ठीक है जिसमें ये सारे थे इस तरह इस तरह से तो यहां पे तो क्या बन गया यहाँ पे तो थ्री एंड बन गया एंडोस्पर्म बन गया ठीक है एंडोस्पर्म बन गया यहां पे जायगॉट बनेगा जायगॉट डिवाइड करेगा डेवलप सॉरी करेगा तो एम्ब्रियो में चेंज होएगा ठीक है है ना तो अभी एम्ब्रियो कैसे बनेगा नरिशमेंट मिलेगी तभी तो जैगॉट से एम्बरीओ बनेगा इसीलिए क्या होता है ये वाला जो एंडोस्पर्म होता है ना ये पहले ये थोड़ा टाइम रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है डॉमेंसी में चला जाता है इनएक्टिव स्टेज में जैगॉट चला जाता है क्यों अपनी माइटोसिस नहीं करता ये रुक जाता है क्यों इसको नरिशमेंट चाहिए ये वेट करता है कि जब ये एंडोस्पर्म जो है ये मल्टीप्लाई करेगा अपने सेल डिवाइड करेगा तो मेरे को ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इसलिए ये रुक जाता है जब एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है डेवलप होना शुरू हो जाता है तब ये डेवलप होना शुरू होता है जैगॉट एम्ब्रियो में ताकि इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती रही एंडोस्पम में ठीक है तो अगर तो एम्ब्रियो सॉरी एंडोस्पम्प जो है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है और खुद पूरी तरह से यूज़ हो जाता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते करते खुद पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसको बोलते ऐसे सीड को हम बोलते हैं एग्जाल्बोमनास सीड नॉन एंडोस्पमिक यानी कि उसमें एंडोस्पम बचा नहीं है ठीक है तो ये जो सीड होती है आ, इसके एग्जाम्पल है ग्राम पी बीन टर्मरिंिट ऑर्किड और सनफ्लावर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अच्छे से करना है ठीक है आया हुआ है क्वेश्चन एक बार एक दो बारी में इसमें फिर आ, दूसरा है कि जो एल्बुमिनस सीड होती हैं वो कौन सी हैं एंडोस्पर्मिक यानी कि जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है एम्बरी को नरिशमेंट देते देते खुद भी परसिस्ट कर गया बच गया तो उसको बोलते हैं एल्बुमिनस यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड ठीक है तो इसकी एग्जाम्पल है ग्राम पी सॉरी ग्रैमपीनी को कैस्टर पोपी राइस वीट बार्ले कोकोनट पाम और ग्रास कोकोनट में हमने पढ़ा ना एंडोस्पम बच गया सेल फॉर्म में आया तो उसने वाइट पार्ट बना दिया ठीक है कैनल वाइट कैनल, कैनल कोकोनट टेंडर बना दिया और जो अंदर फ्री सेल्वर फॉर्म में था वो कोकोनट वाटर कोकोनट मिल्क बन गया ठीक है तो अभी यही बताया हुआ है इस पर मास्टर केडर में क्वेश्चन पूछा गया है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड में फूड किस में स्टोर होता है अगर तो एल्बुमिनस सीड सॉरी एग्जल्बुमिनस है नॉन एंडोस्पमिक सीड है तो उसमें तो फिर एंडोस्पम्प है ही नहीं तो कॉटेडर में फूड स्टोर होगा अगर

पोलन जो ट्यूब में से निकला था तो उसने ही बना दिया जाइोड जयगॉट जो है वो उसको उस बोलते हैं जाइगॉड या ही आगे डेवलप करता है तो एम्ब्रियो बनाता है ठीक है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं डाइकोट और मोनोकोट ठीक है तो कौन से स्टेजेस में ये डेवलप करते हैं एम्ब्रियो जो होता है जैगॉड फॉर्म में पहले होता है जयगॉड से प्रो एम्ब्रियो में जाता है प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर यानी कि गोल शेप में आता है फिर ये हार्ट शेप में इस तरह से आता है हार्ट शेप से ये मैच्योर एम्ब्रियो बनता है ठीक है इस स्टेजेस में ये डेवलप करता है तो ये हम पढ़ते हैं ठीक है ठीके? तो अभी अगर बात करें डायकॉट की डाइकॉट जो है इसको हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं शेफर्ड्स पर्स ठीक है शेफर्ड्स पर्स को कॉमन हम बोलते हैं कैप्सी बर्सा पेस्टोरिस ठीक है ये डायकॉड एम्ब्रियो होता है और ये कैसे ग्रो करता है वो दिखाया हुआ है फैमिली इसकी क्रूसी फेरियसी है क्रूसी फेरियसी ठीक है तो यहाँ पे था कहीं हाँ ये देखो एंडोस्पर्म है ये ठीक है जो हमने ऊपर टॉपिक किया ना सॉरी उसका है ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियोस एक्ट जो था ये देखो ये है हमारा पहला वाला जो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में है ठीक है फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं इसमें आ, इसमें है सेलुलर फॉर्म में सेल प्रॉपर डिवाइड होते हैं ठीक है ट्रांसवर्सली इसमें ट्रांसवर्स फॉर्म में सेल डिवाइड होते हैं तो इस तरह से ये बनता है प्रॉपर स्ट्रक्चर ठीक है सेलुलर एंडोस फॉर्म है प्रॉपर सेल फॉर्म में इसके अंदर ये हेलोबियल है ठीक है हेलोबियल में देखो माइक्रोपाइल रीजन जो है वो जल्दी से ग्रो कर रहा है ऊपर ठीक है सेल लग बना के इस तरह से तो हम ये अभी बात करें एम्ब्रियो की बात करें ठीक है एम्ब्रियो में हमने फिलहाल डायकॉट की बात शुरू की है डायकॉट में पहले क्या होता है ये देखो जैकॉट था जैकॉड पहले जैसे ही डिवाइड हुआ वन सेल से टू सेल स्टेज में आया तो उसने सस्पेंसर सेल बनाए ठीक है सस्पेंसर सेल के ऊपर जो ग्रो करेगा ये बन जाएगा हिस्टोरियल सेल ठीक है हिस्टोरियल के सेल बीच आ, के बीच आते हैं सस्पेंसर सेल सस्पेंसर सेल के नीचे एम्ब्रियो सेल होता है एम्ब्रियो सेल जो है ये बीच में तो एम्ब्रियो सेल है आसपास में डर्मेटोजेंस बनते हैं ठीक है डर्मेटोजेंस के बाद अगर हम देखें ये देखो आ, ये था एम्ब्रियो

ठीक है फिर प्रॉपर डिवाइड करता है हार्ट शेप से ऐसे प्रॉपर डिवाइड करता है ऊपर ऊपरियल बीच में सस्पेंसिव सेल रेडिकल निकल ये रेडिकल जो फ्यूचर रूट होती है ठीक है साथ में आ गए कॉर्टेलिडन अगर दो बन रहे हैं तो ये डाय कॉर्टेलिडन है ठीक है दो कॉर्टलीडन है तो डाय कॉर्टोलीडन है तो कॉटलीडन के बीच में प्लूम्यूल आ जाता है ठीक है तो ये है प्रॉपर डिवीजन के दौरान ये देखो इस तरह से मतलब जो रेडिकल थी रेडिकल रूट कैप के पास मतलब रेडिकल रूट जो बनेगी उसके नीचे रूट कैप होनी चाहिए तो वो ऊपर वाला इसके पास वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल प्लोम्यूल जो शूट बनाएगी आगे जाके फ्यूचर शूट तो उसके पास एपिकोटाइल आ जाता है ठीक है तो ये या, या आपको याद रखना है ठीक है कि रेडिकल रूट के आपके पास हाइपोकोटाइल होता है डाइकोटिलेडन में और प्लोम्यूल के पास एपिकोटिलेडन होता है सिंपल सी बात है ठीक है ये हमने पढ़ा उसके बाद हमने बात की है मोनोकोट की मोनोकोट में एग्जाम्पल आती है ग्रास की तो ये हम ग्रास की ले रहे हैं ठीक है ये है हमारी ग्रास की ग्रास में क्या है पहले जो सेल होता है इसमें हस्टोरियल सेल नहीं होता हस्टोरियल सेल्स नहीं होते हैं सस्पेंसर सेल जो उसकी तरह फंक्शन करते हैं तो देखो नीचे मिडल सेल टर्मिनल सेल डिवाइड करिए ठीक है उस फेर के उस पोर के सॉरी तो सस्पेंसर सेल ऊपर है जबकि नीचे टर्मिनल और मिडल सेल है मिडल सेल बीच वाला है वो ट्रांसवर्जनली ट्रांसवर्जली डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स फॉर्म में डिवाइड करेगा ठीक है और टर्मिनल सेल नीचे से डिवाइड करके ग्लोबुलर शेप में चले जाने चले जाएंगे ठीक है इस तरह से तो यहाँ से कॉटलीडन बनना स्टार्ट होगा प्लुम्यूल और कॉटलीडन बनेंगे सस्पेंसर सेल सबसे ऊपर हिस्टोरियल सेल की फॉर्म में काम कर रहा है ठीक है देन ये फिर इस तरह से पूरी तरह से प्लूम्यूल और कॉटलीडन जो है काफ़ी ग्रो कर जाएंगे रेडिकल बीच में बन जाएगी सस्पेंसर के नीचे ठीक है और बीच साथ में बन जाएंगे हाइपोकोटाइल ठीक है तो अगर आप जी जी वाली देखो तो इसमें कॉटलीडन एक बना है तो इसका मतलब मोनोकॉटिलेडन है एक कॉटलीडन बना रेडिकल बन गई हाइपोकोटाइल बन गया प्लूम्यूल बन गया है ठीक है तो जब प्रॉपर ये डेवलप हो जाती है ना मोनोकोट एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है सीड में आगे जाता है तो पहले ये इस तरह का दिखाई देता है ठीक है इसमें साइड में से इस तरह से पार्ट निकल आता है ठीक है जिसमें दो कॉटलीडन निकले ना इसमें एक ही निकलेगा उस कॉटलिडन को हम बोलते हैं स्कटलम ठीक है तो जो शूट पैक्स है शूट पैक्स यानी कि जो हमारा यहाँ पे प्लूम्यूल वाला हिस्सा था उसके पास ठीक है वैसे ही यहाँ पे शूट पैक्स निकल आया उसके पास आता है कॉलेपटाइल यहाँ पे क्या था हमने एपिकोटाइल पढ़ा पढ़ाया यहाँ पे कॉलेपटाइल आएगा नीचे साइड में थोड़ा सा निकला पार्ट एपी ब्लास्ट है और रेडिकल और रूट कैप के पास का जो हिस्सा उसको हम कॉलेराइजा बोल देंगे ठीक है फर्क है इन दोनों में कॉलोराइजा ये एम्ब्रियो की बात हमने की ठीक है आगे सीड पे आते हैं ये हैं अलग अलग सीड्स दिखाई हुई हैं ठीक है थीके? बीन है बीन फलियां जो होती हैं डाईकॉटेलिडन है देखो प्लूम्यूल ऐसे होता है कॉटेलिडन बनी हुए हैं दो बीच में रेडिकल जो रूट बनाएगी आगे जाके है ना अगर सीड जर्मिनेट कर जाए तो ठीक है हाइलम पार्ट होता है इसके अंदर यहाँ पे छोटा सा आपने काले चने देखे होंगे है ना तो उसके बीच में भी ऐसे हाइलम पार्ट होता है छोटा सा ठीक है वहाँ से फिर मटीरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो वाटर वगैरह न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं कैस्टर है ये कैस्टर की बनी हुई है ठीक है कैस्ट्रॉल की कैस्टर सीड जो मेन है ठीक है तो उसमें हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस हैं सीड कोट बनी हुई है सीड की लेयर टेस्टा टैगमन सीड की दो लेयर होती हैं ठीक है एंडोस्पर्म बना हुआ है और कॉटलिडन है ठीक है देन शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट टिप बन जाते हैं देन ये अनियन का दिखाया हुआ है सीड कोट सीडकोटकोटोलेडन शूट एपिकल मेरिस्टेम है नीचे हाइपोकोटाइल एक्सिस है रूट टिप और एंडोस्पाम बना हुआ है, नीचे फूड प्रोवाइड करने के लिए ये मेज़ का है मेड मेज जो है डाकोटलीडन सॉरी मोनोकोटोलेडन है ये जो बीन है ये डाकोटिलेडन दिखाई हुई है है ना तो मेज जो है मोनोकॉटोलीडन में आप प्रॉपर देख सकते हो देखो एलिरोन लेयर प्रॉपर आएगी एपिथीलियन लेयर अंदर होगी कॉलिपटाइल आ गया देखो कॉलेपटाइल हमने पढ़ा प्लूम्यूल है रेडिकल रेडिकल के पास कौन सा आता है कॉलोइज आ जाता है ना ऊपर कॉलिपटाइल नीचे कॉलोराइज आ गया कटलम बना होता है ठीक है एंडोस बना हुआ है पैरी बना हुआ है ठीक है पैरीकाप हमने पढ़ाया अभी तो नीचे भी आगे पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो अभी आते हैं हम ये वाला सीड के ऊपर सीड क्या होता है सीड ओब्यूल होते हैं देखो एम्ब्रियो सैक ने तो फंक्शन करके फर्टिलाइजेशन कर ही दी बाकी के जो ओब्यूल्स होंगे तो वो सीड बना देंगे अगर तो एक ही ओब्यूल था तो एक सीड बनेगी ज़्यादा ओब्यूल है तो ज़्यादा सीड बन जाएंगी जैसे गुआवा में ज़्यादा सीड होती है और मैंगो में एक ही होती है ठीक है फिर इंटेग्यूमेंट जो होते हैं इसके अगर इंटेग्यूमेंट पार्ट है इंटेग्यूमेंट आपने पढ़ा था ना एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके आस पास क्या होते हैं इस तरह से इंटेग्यूमेंट बने होते हैं ठीक है इंटेग्यूमेंट जो होते हैं उनके बीच को न्यू से पार्ट बोलते हैं अगर इंटेग्यूमेंट बच गए प्रसिस्ट कर गए तो ये सीड कोट बना देंगे सीड के आसपास की मतलब वैसे तो होते हैं सीड के आसपास लेयर बना देते हैं उसको बोलते टेस्ट और टैगमेंट बाहर वाला एंटेगोमेंट इंटेग्यूमेंट जो होता है टेस्टा और नीचे वाला अंदर वाला टेगमेंट बना देगा सीड के आसपास थर्ड इंटेग्यूमेंट कईयों में ही होता है ज्यादातर तो दो होते हैं जो तीन इंटेग्यूमेंट वाला होता है वो है लीची और एसपोडल ठीक है फिर एक कैस्टर जो होता है कैस्टर यानी कि रिसिनस कॉमिनिस्ट ठीक है इस पे साइंटिफिक नेम के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कैस्टर के ऊपर ही मास्टर केडर में ठीक है तो कैस्टर जो है रिसिनस कॉमिनिस्ट जो है इसमें बाहर वाली ग्रोथ जो होती है माइक्रोपाइल के पास जो बाहर वाली ग्रोथ होती है स्पॉन्जी फॉर्म स्पॉन्ज जैसी उसको हम बोलते हैं कारंकल ठीक है कारंकल बोलते हैं देन पैरिकाप की अगर बात करें पैरिकाप जो है पैरीकाप अगर तो जो ओवरी है है ना ओवरी की जो वॉल है उससे फ्रूट की कवरिंग बनती है फ्रूट की लेयर्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं पैरिकाप ठीक है फ्रूट है कोई जैसे मैंगो का फ्रूट है ये कै तीन तरह की लेयर्स उसमें आ जाती हैं ठीक है मैंगो का फ्रूट है मैंगो की फ्रूट की जो छिलक होती है पील होती है वो उतारती हैं वो है एपिकाप ठीक है जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं कई में ड्राई भी हो सकता है जो मैंगो की बात करें तो वो फ्लैशी पार्ट जो हम खाते वह है मीजोकाप जो सीड के बाहर वाली लेयरिंग होती है उसको बोलते हैं हम एंड ठीक है तो एपिकाप मीजोकाप एंडोकाप पैरिकाप के तीन पार्ट हैं उसके बाद आता है पेरिसपर्म ये आपने याद रखना है ठीक है ओवरी की वॉल से बनता है पैरिकाप और जो पेरिसपर्म है पेरिसपर्म बनता है न्यूसेलर अगर बच जाए न्यूसेलरस पार्ट होता है ना एम्ब्रियो सैक के पास इंटेग्यूमेंट है इंटेग्यूमेंट अगर बच गए इंटेग्यूमेंट बचे हुए हैं तो वो सीड कोट बनाएंगे और उसके बीच का जो न्यूसेलस पार्ट होता है अगर वो बच जाता है तो वो पेरिसम बना देता है ठीक है पेरिस्पाम सीड के पार्ट होते हैं ठीक है ज्यादातर तो ड्राई होते हैं सूखे ही होते हैं ये ठीक है तो आगे अगर करें फ्रूट की बात फ्रूट क्या है रिपंड ओवरी ओवरी राइप करती है तो फ्रूट बनता है फ्रूट सिंपल फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट है ठीक है जहां से डेवलप हुए उसके बेस पे अगर तो जो फ्रूट है वो फ्यूज ओवरी फ्यूज ओवरी यानी कि इस तरह से स्टिग्मा कई सारे हैं ठीक है स्टिग्मा कई सारे हैं बट स्टाइल और स्टाइल भी अलग हैं बट ओवरी एक बन गई फ्यूज ओवरी से डेवलप हुए हैं सिन कार्पस से डेवलप हुए फ्रूट को हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं फ्री ओवरी से यानी कि एपोकार्पस ओवरी से जो बने हैं वो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं जो इन मतलब पूरी कंप्लीट इन फ्लोरसेंस की से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट ठीक है फिर आता है फ्रूट के ऊपर के फ्रूट फ्लैशी और ड्राई दो तरह के होते हैं फ्लैशी फ्रूट में मतलब जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं जैसे मैंगो हमने कॉमन अभी बात की मैंगो हो गया ऑरेंज हो गया गुआवा हो गया कॉमन पार्ट हमने सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट खाई वो फ्लैशी फ्रूट है ड्राई फ्रूट जैसे ग्राउंड नट मस्टर्ड ठीक है ये ड्राई फ्रूट है ठीक है देन uh, 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 जो है फ्रूट फिर फ्रूट uh, दो तरह के और बताए हुए हैं डेवलप्ड पार्ट के थ्रू तो एक होता है ट्रू फ्रूट ट्रू फ्रूट को हम यू कार्पिक फ्रूट बोलते हैं फॉल्स फ्रूट का हम स्यूडो कार्पिक फ्रूट बोलते हैं ट्रू फ्रूट कौन सा है नॉर्मली तो हम ट्रू फ्रूट ही खाते हैं ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जो ओवरी से डेवलप हुए हैं ठीक है थीके? सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होने वाला फ्रूट क्योंकि हम यही पढ़ते हैं ना कि ओवरी राइप होती है तो फ्रूट बनता है तो अगर ओवरी के राइप करने से अकेले ओवरी के राइप करने से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट ठीक है सुपीरियर ओवरी से जो बना है और इनफीरियर ओवरी से जो बना है यानी कि ओवरी जो है उसकी जगह पे थैलमस ने फ्रूट 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 डेवलप किया है है ठीक तो तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फॉल्स तो में कॉमन आती है एप्पल और स्ट्रॉबेरी की एग्जाम्पल तो आपको फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने बता देना है फॉल्स फ्रूट में हमें पूछ लेते हैं तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट आ जाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद करते हैं पार्थिनोकार्पी के ऊपर पार्थिनोकार्पी जो होती है पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं और फ्रूट बन गया है ठीक है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी इसके बारे में हमें नॉल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था एन ओ डबल एल नॉल ने नाइनटीन में हमें बताया था पार्थिनोकार्पी होती है फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बनने की तो इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही अगर फ्रूट बनता है उसको हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट है सीड बनती नहीं देखो फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड बनती ना अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं है तो सीड नहीं बनेगी ठीक है तो ये फ्रूट सीडलेस है इसमें एग्जाम्पल आती है गुआबा बनाना सॉरी बनाना गुआबा पाइनएपल ठीक है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है मास्टर केडर में इसके ऊपर भी कि पार्थिनो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे जैक फ्रूट होगा एप्पल होगा है ना तो उसमें से बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है क्योंकि बनाना में सीड भी नहीं होती है ठीक है तो आ, अभी ये जो फ्रूट प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं इसमें आर्टिफिशियली ये हॉर्मोन्स की हेल्प से भी करवाए जा सकते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं जो मतलब फ्लार के पार्ट्स हैं उनको आप ऑक्सीजन दे दो एंथेसिस के बाद में मतलब जब फ्लार काफ़ी बढ़ चुका है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन हार्मोन दोगे स्प्रे करोगे तो उससे फ्रूट बन सकता है गिबरलिन अगर एंथेसिस नहीं हुई एंथेसिस से पहले पहले या एंथेसिस के दौरान जब पुल खिल रहा है उस टाइम पे अगर उसके पार्ट्स को दे दोगे तो फर्टिलाइजेशन होने से गिबलिन की हेल्प से फ्रूट बन सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इथाइलिन हार्मोन गैशियस हार्मोन है जो कि फ्रूट्स को जल्दी राइप होने में हेल्प करता है तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा पार्थिनोकॉल्प इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है उसके बाद आती है एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस जो है इसमें क्या है इसमें ए सेक्शुअल जैसे होता है ये ठीक है मतलब ए सेक्शुअल की तरह यहाँ पे नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस ठीक है एक तरह से ये रिप्रोडक्शन है ये ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है तो इसमें क्या होता है कोई भी मतलब आ, कोई गेमिट गय, फ्यूजन नहीं होती है ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज करेगा फ्यूज करेगा तो जाके इसमें फ्यूजन के बिना ही फ्रूट बन जाता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस ठीक है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपिगेशन नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये हो सकता है ठीक है और गेमोसपम के थ्रू हो सकता है ये ठीक है तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस काफी अच्छी प्रोसेस है ठीक है इससे जो सीड्स बनती हैं वो काफ़ी चीप भी होती हैं फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की भी होती है तो इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं काफ़ी हमने डिटेल में इसके बारे में मतलब पढ़ा भी हुआ है आगे की क्लासेस में है ना तो एपोमिक्सिस के बारे में हमने हमें विंकलर ने बताया था विंकलर ने नाइनटीन में बताया था हमें विंकलर ने एपोमिक्सिस के बारे में ठीक है तो एपोमिक्सिस भी पता होना चाहिए हमें देन आता है कि आर्किपोरियम जो है आर्किस्पोरियम डेवलप इन साइड द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल विच गिव राइट्स टू एम एफ सी ठीक है नगसपोर मधर सेल कहाँ से बनते हैं जब आर्किस्पोरियम न्यूसेलस के अंदर डेवलप कर जाए तो उससे बन सकता है तो ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियोसेक बनेगा डिप्लोइड एम्ब्रियोसेक बनेगा वो डिप्लोस्पोरी उसको बोल देंगे हम ठीक है डिप्लोसपोरी उसको बोल देंगे आगे है हमारा कि जो पॉलिसपमी है वो क्या प्रोसेस होती है पॉलिसपमी मतलब कई सारे एम्ब्रियो बनते हैं ठीक है पोली अम्ब्रिनी होगा यहाँ पे ठीक है पोलिसमामी नहीं पॉली एम्ब्रोनी है यहाँ पे पोली अम्ब्रिनी का मतलब कई सारे एम्ब्रियो जब बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोली अम्ब्रिनी एक एम्ब्रियो बनना चाहिए देखो फर्टिलाइजेशन होएगी तो एक एम्ब्रियो बनेगा पर इसमें क्या होता है जो न्यूसीलर पार्ट होता है न्यूसीलर से सेल्स होते हैं है ना तो कई बार वो डेवलप कर जाते हैं उनके डेवलप होने से जो कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं तो कई सारे एम्ब्रियो बनने को हम बोलते हैं पॉलिसपामी ठीक है पॉलिसपॉमी होती है अनियन के अंदर ग्राउंड नट के अंदर हो सकती है ठीक है तो ये सिंपल भी हो सकती है और एडवांटेज भी हो सकती है सिंपल में क्या होता है अगर एक से ज्यादा फर्टिलाइज कर जाते हैं एक से ज्यादा एग सेल मतलब फर्टिलाइज कर जाए तो ऐसे में हो, अगर हो गया तो सिंपल है पॉली एम्ब्रियोनी uh, अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनता है थ्रू स्पोरोफाइटिक बडिंग बडिंग के थ्रू भी ऐसा हो जाए तो एडवेंटिटी हो जाएगी एडवेंटिटी हो जाएगी ठीक है तो फिर है कि इसको लिवनहॉक ने 1719 में बताया था आ, बाद में स्क्रनरॉफ ने 1929 में बताया था इसके बारे में ठीक है तो आगे एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि एपोमिक्सिस में रिकरंट होती है एडवेंटेटिव होती है नॉन रिकरंट होती है ठीक है इस पर ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है वैसे मेन मेन तो वही है तो रिकरेंट वाली क्या होती है रिकरंट में क्या होता है कि अगर जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है एक डिप्लॉयड एग सेल से या डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो सेक डिप्लॉयड किसी भी सेल से बन से जाए तो उसको बोलते हैं रिकरंट एपोमिक्स ये पारथीनियम और रूबियस में होती है ठीक है रूबस में एडवेंटिटिव जो पॉली एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है इसमें क्या होता है डिप्लॉइड सेल जो होते हैं न्यूसेलस के या इंटेग्यूमेंट्स के वो सीधा ही एम्ब्रियो बना देते हैं सिट्रस फ्रूट जो होते हैं खट्टे फ्रूट या पंछिया उनमें ऐसा होता है नॉन करीकरेंट कौन सी होती है जिसमें जो मेगास्पोर स्पोर मदर सेल्स हैं वो म्योटिक डिवीजन करते हैं और हेप्लॉइड है एम्ब्रियो से बना देते हैं तो सोलिनम होगी या लिलियम फैमिली में ऐसे ही होता है लिली फैमिली में ठीक है तो रिक्रंट में हमने डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी पढ़ा डिप्लोस्पोरी जब जो डिप्लॉयड मेगास्पोर आ, जो होते हैं मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाते हैं तो डिप्लोस्पोरी है अगर जो डिप्लॉयड न्यू सेलर सेल है न्यू सेलर सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो एपोस्पोरी है एंड में फिर नॉन करंट एपोमिक्सिस में आता है कि पार्थिनोजेनेसिस है और हैप्लॉयड एपोगेमी है पार्थिनोजेनेसिस में क्या है एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड एक्सेल से बना तभी तो उन्होंने बोला कि हैप्लॉयड है मतलब एन से ही एन स्ट्रक्चर एक्सेल तो वैसे ही होता है ना तो सीधा उससे ही बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो तो वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनिस है एपोगैमी में क्या आएगा कि अगर कोई हैप्लॉयड सेल है एम्ब्रियो सेक का तो उससे आगे बन रहा है उसे आगे मतलब एम्ब्रियो बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेल को हैप्लॉयड एपोगी ठीक है तो इसमें हैप्लॉयड या स्ट्राइल ज्यादातर ये प्लांट प्रोड्यूस होते हैं अगर ऐसे हैप्लॉयड एपोगेमी के थ्रू हो जाएं ठीक है तो यहाँ तक कि हमारा ये काफ़ी लंबा है चैप्टर ठीक है तो पर चलो कंप्लीट हो गया है तो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट था जि, जि, जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे मास्टर केडर पे केडर में तो उसके साथ रिलेटेड ज्यादातर हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं रिपोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको मास्टर स्ट्रेकेडर के रिगार्डिंग आगे और वीडियोज़ मिलती रहें ये वीडियोस आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी क्योंकि इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी वो आ, नोट की हुई हैं यहाँ पे तो आ, ये जो नोट्स होते हैं ये आ, हमारे जो चैनल है स्टडी विद पूजा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप नोट्स भी ले सकते हो इसके तो बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पिछले सालों के जो मास्टर केडर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से तो वो हम अपलोड करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे तो बाकी आगे की वीडियोज़ में करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो